कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कोई नावे तीरथ कोई हाज जावे कोई कार पूजा कोई सर निवाए कोई नावे तीरथ कोई हाज जा कोई कार पूजा कोई सर निवाए कोई सर निवाए कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कोई पाढ़े वेद कोई कते बा कोई ओढ़नीला कोई सफेद कोई पाढ़े वेद कोई कते कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कोई कहे तू रख कोई कहे हिंदू कोई बाछ पीसत कोई सूर गिंदू कोई कहे तू रख कोई कहे पीसता कोई सूर गिंदू कोई सूर गिंदू। कारण कर्म करीमा कृपा धार रहीमा। कारण कर्म करीमा कृपा Thank you.
हुकम पछाता प्रभु साहेब का तीन भेद जाता तीन भेद जाता कारण कर्म करीमा कृपा धार रही कारण कर्म करीमा कृपा धार रही पता नहीं कब से दुनिया बन गया हम हमारे से बिछड़े हुए हैं कभी ऊंट बनते हैं कभी बैल बनते हैं कभी घोड़े बनते हैं कभी गधे बनते हैं कभी पानी के जीव बनते हैं कभी पंखी बन के उठते हैं कभी दरख्त बनते हैं कभी स्वर्गों में जाते हैं कभी नरकों में जाते हैं हमारे छुटकारा के लिए। भक्ति का असल मतलब क्या है कि हम जो मार्ग से बिछड़े हुए 84 में धक्के खा रहे हैं हमारी जन्म के बंधन छूट जाए मार्ग दरगाह में पहुंच जाए जहां से आए वहां पहुंच जाए और काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं अंदर शांति आ जाए उसमें मतलब ये है। लेकिन इसके लिए हमने बड़े उपाय किए। कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई नमाज़ें पढ़ता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई हज को जाता है, कोई हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, कुछ बनता है, कुछ बनता है, किसी ने कोई पे किया, किसी ने कोई पे किया, लेकिन अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। करते ही आए हैं, सोच लो विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन ने मार दिया, मल की प्राप्ति तो क्या होगी। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, सोचो कौन हारी बना। हम तो कहेंगे इसने मन को मार लिया, उसके मन ने मार दिया। प्राचर जी पूर्ण योग कराए, सोच लो योग करना सबसे मुश्किल है, अगर इसमें प्राण फांसते हैं जल्दी निकलते नहीं, कहीं मौत हो जाती है, कहीं के अंदर आग लग जाती है। पूर्ण योग हुआ फिर भी मन ने मार दिया, मच्छंदर इस देह से निकल जाता, आत्मा तीन शरीर में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है, वो इस देह से निकल जाता, इतनी ताकत थी। फिर भी मन ने ख्याल किया कि विषय भोगने राजपाट करें, किसी राज्य का देहांत हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगने राजपाट किया, छुटकारा तो ना हुआ। सोच लो इतना इतनी ताकत आई कि इस देश से निकल जाता था फिर भी छुटकारा ना हुआ। अच्छे कर्म किए सुख में चला गया, देवी देवता बन गया, फिर वहां अच्छे कर्म का फल भुगता। फिर 84 कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे दो ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दस सुर्गों का राजेंद्र बना, कई दस सुशील का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, फिर उन सुर्गों का क्या फायदा। बुरे कर्म किए, गंदी चुनी में गया, नरकों में गया, फिर 84 छुटकारा कहीं नहीं। सोच लो करते ही आए हैं, छुटकारा ना ना हुआ, असली भक्ति का पता ना लगा। क्या कहते हैं कि किसी ने कुछ जपा, किसी ने राम राम जपा, किसी ने लाला जपा, किसी ने कुछ जपा, किसी ने कुछ जपा, ये लफ्ज तो ज्यादातर लोग का काम करके से आगे नहीं। बाव नख लोक रहा सब कुछ नहीं माए, ये अखर गिर जाएंगे, अखर इनमें ना। जिस वक्त मौत आई, जब इसकी चेतन से निकालते हैं, जब लू से रू निकली, जुबान से निकली तो इनका लफ्जों को बोलना खत्म, कानों से निकली इनका सुनना खत्म, आंखों से निकली इनका देखना खत्म, आगे मानसिक बुद्ध अहंकार का स्टेशन है, इसका चित्र नहीं खत्म। आगे क्या गया सोचो, आगे साथ क्या गया, ये लफ्ज यही रह गए। सोच लो आगे क्या गया इसके साथ, ये ही रह गया। तीर्थ है किसी नहाना के थके तो मैंने साफ हुई, वो असली तीर्थ इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, वो अमृतसर इसके अंदर है, वो नाम का तीर्थ है, 68 तीर्थ नाम है, इसलिए कठिनार है। काय अंदर अमृतसर सत्या मन पीवे पाए सफाई हो, अंतर निर्मल अमृतसर साए सदा सूचे सा समाए। प्राग पे जाते हैं वहां क्या है, तीन नदी का संगम,
फकीरों ने अंदर देखा था, वो हमें बताया, नमूना बताया, नमूने फंस गए, ईड़ा टिंगला और सुखुना तीन वसिकाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजित करता है। वहां जाकर नहाए, उसको मानसरोवर कहा कबीर साहब ने, मुसलमान हौज़े कौसर कहते हैं, उस तीर्थ में नहाए तब आत्मा की रूह साफ, रूह की पहले साफ होती है। फिर कहता किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ पाठ किया, किसी ने कुछ किया, कोई हिंदू बना, किसी ने कोई पेख बनाया, किसी ने किसी को ना मिला, किसको मिला, कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभु सच्चे का भेद मिल जाता। हुक्म क्या, हुक्म क्या चीज है, पाना, हुक्म, शब्द, नाम, वाणी, कथकथा, अमृत एक ही चीज के नाम है। पाना कहते किसी की मौज को, मौज का अवजार होती है, जब हुक्म करे, हुकुम हो नाकार, हुकुम न किया जाई, हुकुम हो जिया, हुकुम मिले बटे आई, हुकुम तुम नीच, हुकुम लिख दो सुखाई है, कितना हुकुम बख्शी से कुछ सदस भाई है। सोच लो हुकुम कब जाहिर होता है, जब बोले शब्द, शब्द शब्द धरती, शब्द आकार, शब्द शब्द प्रकाश, जो कुछ हुआ हुकुम से हुआ, शब्द से हुआ। शब्द की लहर को कहते नाम, शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगला आकार, पढ़ते हैं ना रोज, वो एक शक्ति है, क्योंकि बोली है इसलिए उसको वाणी कहा है, क्योंकि ऐसी कथा जो कभी खत्म नहीं होती इसलिए उसको अकथ कथा कहा है, क्योंकि उसमें रस है, उसमें अमृत है इसलिए उसको अमृत कहा है। नाम अमृत प्रभु का नाम देही में उसका विश्राम, इस नाम को प्रकट करना, ये नाम क्या चीज है, शब्द क्या चीज है, हुक्म क्या चीज है, मालिक की कुदरती आवाज है, वो मालिक की आवाज है, कुदरती सब जगह है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही, उसी ने सारी रचना की है। मुसलमान जिस वक्त मालिक ने ये खेल डाला, मुसलमान कहते अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। शमस ने कहा कि सारी दुनिया एक आवाज से पैदा हुआ है, उसी से सारा नूर पैदा हुआ है। ईसा ने यही कहा है कि सारा वर्ड से, हुक्म से, शब्द से, नाम से सारी दुनिया बनी है। वो मालिक की कुदरती आवाज लिखने पढ़ने से परे, ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना अंग्रेजी है, ना फारसी है, इन लफ्जों में नहीं, ये तो हमारे समझाने के लिए है, वो चीज अलग है, वो इस दुनिया की चीज नहीं, वो इस दुनिया में नहीं मिलता, नाम सूक्ष्म मंडल में जाकर मिलता है, लिखने पढ़ने की चीज नहीं। चिहन वरण नहीं छाया माया, नान शब्द छाए, एक भी सब कहते हैं शब्द शब्द सबको कहे, वह तो शब्द दे जीबा पर आवे नहीं, निर्पर कर ले, तो लिखने पढ़ने से परे है। यही पंडित साहब ने कहा है, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप जिस नहीं आता, वो एक शक्ति है जो खंडो ब्रह्मंडो को ताकत दे रही है, सबके अंदर है, सबके अंदर जिंदगी और ताकत दे रही है, जैसे ही फूलों में भी वही काम कर रही है। यह जिंदा राम, यह नाम, यह राम नाम, इसी के मतलब गुरु अमरदास ने फरमाया है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ पर सब कुछ करते रहे, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन को सेवा करने, रात को पुलिस से केस बांधने, फिर मालिक की प्राप्ति की। क्या लिखते हैं इसका नतीजा, हर की पूजा तलम भय संतो कहना कछु न जाई, संतो गुरु पूरा पाई नामो पूज कराई। कैसे तो सारी दुनिया मालिक की पूजा करती है, लेकिन जो असली पूजा दुर्लभ भय मिलने मुश्किल है, वो कहने कथने से परे है, उसका किसी को पता नहीं, किसी विरले को है। अगर इसको पूरा गुरु मिले, पूरा फकीर मिले, वो कहेगा तेरे अंदर सच्चा नाम है, तेरे अंदर सतगुरु है, शब्द गुरु है, तू उसको प्रकट कर, ये पूजा मालिक की दुर्गा में कबूल है। बिन नामे और पूज ना हो गई परम पुली लुकाई, सारी दुनिया उल्टे रास्ते पड़ी हुई है, जितने जप तप हैं ये सब उल्टे रास्ते हैं, सब जप सब तप सब चित्राई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे को था न पाई, नाम उन्हें माते छाई, कोई नहीं पूछता मालिक दुर्गा में इनको छुटकारे वाले, यही ये नहीं भी उनका फल नहीं, फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाली एक सच्चे नाम की भक्ति है।
जिया रेला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में भाव जम का शुरू जिंद तुझा जाएगा। हजारों कर्म धर्म जप तप कर ले शुरू जाएगा। ये नाम एक शक्ति है जो सबको जिंदगी ताकत दे रही है। वो रोम रोम में सबके गुनान साहब मिठन को गया है वहां में मिठक की मिला वो कर्मी धर्मी था। तो गुनान साहब ने फरमाया नया मिठा सच्चे नाम के बगैर छुटकारा नहीं जन्म के बंध नहीं छूटते। सच्चा नाम क्या चीज है? सच्चा नाम एक मौलिक वास्तव जो कहने सुनने से परे है फिर भी कुछ तो बताओ कि बताने की चीज नहीं अनुभव की चीज है फिर भी कुछ तो कहो। एक तरफ ले गए सुनो भाई तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि जी नहीं। अब कर्म धर्म से हृदय साफ हो जाता। हृदय साफ था चीज डालने की जरूरत थी। गुनान संत जो थी तो कहने लगा मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं। रोम रोम रवे हर नाम सदगुरु पूरे की मैदान। वो रोम रोम में जर्रे जर्रे में है वो एक शक्ति है इसीलिए उसको कहते हैं राम का मतलब क्या है रमित से राम जो चीज जर्रे जर्रे में रमी हुई है उसको कहते हैं राम। नाम रूप में शब्द रूप में सबके अंदर जिंदगी बता कर दे रही है। देख लो इसके अंदर कोई काम कर रही है ना चीज ये है नाम के धारे सगले या नाम के धारे खंड ये है शब्द गुरु ये है शब्द गुरु ये मालिक का रूप है जो कुदरती आवाज है। चौंद सुकुम वर्त प्रभ तेरा चौंद से नाम पतालन सब में शब्द वर्त प्रभ सच्चा कर मिले बतालन। वो रेडियो वेव्स की तरह सब जगह है यहाँ रेडियो वेव्स है ना वो सुन तो नहीं सकते जब रेडियो में स्विच लगाते सुन लेते हैं। अंदर भी इसी तरह है ये नकल है बाहर मालिक कुदरती आवाज है वो उसके सुनने का जरिया इसके अंदर है। हम रोज पढ़ते हैं वाणी में सुबह सतगुरु की सेवा सफल है जे को करी चितला है। कौन सी सेवा सफल है? ये खाना पीना नहीं ये अपनी हद में ठीक है खाना तन के लिए हुआ या मन खुश हुआ आत्मा का क्या बना? सोचो बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाये अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है तन के मन के धन के लोग लाज के कौमों के मजहबों के ये सारे बंधन तोड़े तब जाए अंदर कैसे जाए अनेकों रस्सों में फंसा पड़ा है। अगर ये बंधन तोड़े अंदर जाए इस जग में नाम अलभ है गुरुमुख से मन आए है ही नहीं इस दुनिया में वो नाम शिक्षा मंडल में जाकर मिलता है। इतनी ऊंची चीज है ये अभ्यास करे ये फकीरों के जरिए सीखा जाता है। जिस वक्त को लैंड तू आया राम नाम संतन घर पाया यही पढ़ साहब ने कहा क्या संत से नहीं नाम है नाम से नहीं संत नाम से नहीं संत नाम से वही मलावे वह है वाकुफकार मिलन की राह बतावे। जब तब तीर्थ व्रत करे वह तेरा कोई बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई पलटू ये है प्राण पर आज से थी और अंत संत नहीं नाम है नाम से नहीं संत उस नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है जो जन मन के बंधन छुड़ाने वाली है। शोध शोध तत्व विचार्यो भक्ति श्रेष्ठ पूरी कौन सी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सकल की दूरी बाकी नीचे दर्जे की है बाकी नीचे दर्जे की है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार कामे निकसी भक्ति कौन सी राम नाम तत्सार रमे हुए नाम की। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले विहार है नीचे दर्ज भक्ति है। जा से मिले अखंड मोक्ष से सो मार्ग न्यारा काल जाल से बांचा चाहो बहो शब्द सारा वाणी में पढ़ते हैं ना काल खाएगा ब्रह्मा काल खाएगा विष्णु काल गए सब पढ़ते हैं ना सबको खा गया ना। अगर इससे बचना है सोचो नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले विहार जा से मिले अखंड मोक्ष से सो मार्ग न्यारा काल जाल से बांचा चाहो बहो शब्द सारा कहें कबीर अमर कर रखो जो प्रभु सारा। ये फकीर सुहाते आकर ये जो हमें स्मरण देते हैं जपने के लिए ये बदलता रहा है और बदलता रहेगा। किसने कुछ पाया किसी ने कुछ पाया माल के हुकुम से बाद में शरीयत बन जाती है उसका नाम से तल्लक है। प्रभु के स्मरण मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए फिर उस नाम से तल्लक पड़ता है फिर ये नाम मुक्ति देने वाला है वो इस अंदर फिर मिलता है। अंदर भी अनेकों धोखे हैं इसको पता नहीं अंदर भी नशान की आवाज देना अनेक अनहद अनहद जनकार ये मालकी मेहर से मिलती है भक्ति पाती है किसी नसीबों वाला को मिलती है। हम रोज पढ़ते हैं ना
नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार। अखीर में क्या कहते हैं, कर कृपा जैसे अपने नाम लाए, नानक सो जन चौथे पद में दस पाए, वो जा सकते बाकी नहीं। ये कीमती स्मरण मिला हुआ है आपको, इनको नाम दिया है, इसका तल्लुक उस नाम से है, फिर माल की दरगाह में जा सकते हैं। अगर ये करें दुनिया को देखो मरते रोते हैं चिल्लाते हैं, देख लो टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिस्म अकड़ जाता है, देख लो। लेकिन जो ई नाम की भक्ति करते हैं अगर अच्छी तरह करे तो पहले बता दिया जाए 10 दिन 20 दिन, अगर और कम है 2 दिन 4 दिन, नहीं तो मौके पर बता देगा। अगर बहुत थोड़ी भक्ति है फिर भी नाम ही बताए तो उसका टट्टी पेशाब निकल जाए, जिसमें नहीं अकड़ेगा ये निशानी है प्रेमी की मौत की। जिसमें नहीं अकड़ेगा तेरा पहले से अच्छा होगा, ये निशानी है, ये नाम की बात है। उसके अंदर खुशी होती है, कोई कमी की बात आ जाए तेरा मर जा जाता है ना, और खुशी क्या है, तेरा खिल जाता है ना, बस उसके अंदर खुशी है, सब कुछ मार करता है तो फिर वो खुशी खुशी जाता है, उसका चेहरा पहले से अच्छा होगा, ये निशानी है। ये नाम और फकीर की कोई निशानी नहीं, उनके जो चिताए हुए जीव होंगे वो आराम से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। अगर कोई कर्म कटवाना होगा तो पहले कटवा लेगा, लेकिन मौके पर आराम से लेके जाएगा, कटी विशा भी निकला कुछ नहीं होगा। ये निशानी है, ये है सतगुरु की भक्ति। नाम कहो सतगुरु कहो, किसी को कहा है तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु चेला, ये है बचाने वाला गुरु। सोचो हम गुरु कर करके थक गए, उसके छुटकारा हुआ, ये बाहर वाले गुरु का काम नहीं, वो एक ही गुरु है जो मुक्ति का दाता है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक दल का, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है उसका क्या, शब्द कहो नाम कहो नाम की जो सबके अंदर है। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले सोच, एक मिनट में आवाज सब जगह आ जाएगी, सारे अफसर काम करने लग जाएंगे, वो तो वहां बैठा है, किसने काम करवाया, उसके हुक्म ने, शब्द ने, नाम ने, उसका रूप क्या हुआ, शब्द है नाम, इसे मालिक का शब्द सब जगह है। इसलिए कहा गुरु नानक साहब, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु से तुम चेला, शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठाव सब रख मार, इस गुरु को सब छोड़े बैठे हैं। हम कहते हैं यही है हजरनाल जिंदा राम, हम नारा लगाते हैं ना हजरनाल जिंदा राम, इसका है यही धन धन सदगुरु है, ये है धन। गुरु नानक साहब कुंभार गए, वहां यार लिखी मिला, उसने पूछा पीरेश मत रामा, ये फारसी के लफ्जों में है जन्म साखी में, उनका आपका गुरु कौन है, उन्होंने कहा पीरे मत जिंदा पीरस, मेरा गुरु जिंदा गुरु है, जिंदा गुरु के हाँ, कि मुझे तो जिंदा पे इतबार नहीं, क्यों, जो पैदा हुआ उसने जरूर मानना है। तो गुनान साहब ने फरमाया या खुदा है पीरस के दैम जिंदा कुल आलम मरीद, ये खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, कुल आलम मरीद कुल आलम उसका मरीद है, मुझे खुदा पीरे दिग्रित राम, खुदा के अलावा कौन गुरु हो सकता है, सदगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, उगना शुक्र था सब मेरे समाये, सबके अंदर है। ग्रंथ साहब कहते हैं सदगुरु मेरा बेमोहताज, सदगुरु मेरा सच्चा साध, मेरा सदगुरु बेमोहताज है, बाहर वाले तो लगी पड़ी लियाओ 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 है लगी पड़ी है, वो बेमोहताज है, कैसे बेमोहताज है, ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया ये, किसी ने बात कोई, किसी ने चूगी, किसी ने बेली, किसी ने सूट बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने गुणा, किसने हाथों से निकला, किसने कारीगर लगे, ये बेमोहताज सदगुरु फूलों में रंग भरता है, मौत के वक्त किसने काम देना, इसको किसने देना है, काम देने वाला ये है, जिस वक्त मौत आई मौत अंदर है, जमदूत अंदर है, सोचो आत्मा अंदर, वो रोकता है चिल्लाता है कौन छिड़ाए, हम पास बैठे तो मदद कर सकते हैं, उस वक्त धर्म स्थान बाहर, तीर्थ बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन छिड़ाए, इसको तो किसी ने खुश ना किया, सोच लो। पुनम साहब कहते हैं सो गुरु करो जो बहुत ना करना, ना हो मरे ना हो सो, ये मुक्ति का दाता, मौत के वक्त किसने छुड़ाना है, इंसान यही फरमाया करते थे, तूने मोया गुरु क्यों क्यों भाई, ये तो कल मर जाएगा, इसको पकड़ तेरे अंदर है, इसको किसी ने तालीम किसी ने नहीं ली, सोच लो जिनके अंदर वो ताकत आई है उन्होंने कभी नहीं कहा हम गुरु, वो दास बने सेवादार बने, इंसान जी फरमाया करते थे हमें सेवाधारी की ओर जानने वाले। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उतरा नर कुंड में पर है,
वो तो दास लवण का जानो या मैं भेद नर जानो, जिसने अपने आप को गुरु परमेश्वर कहाया उसी का नर्क में। सोचो मैं तो उसका दास हूँ, ये मुक्ति का दाता ये है, नाम विभक्ति कहो शब्द गुरु की कहो, ये छुड़ाने वाले वक्त कोई छुड़ाने वाले कहो, नानक जिन हुक्म पछाता प्रभु सत्य का भेद दिन जाता, इस नाम में अमृत है, नौ अमृत प्रभु का नाम देही में उसका विश्राम, हजारा जप तप कर लो कभी शांति नहीं है, मन काबू नहीं आता, और काबू आता मन का पिंगल गया पर है नाम, बिन गुरु शब्द मन ने ठहरा इस भक्ति से है, इसका स्वर्ण भी करो तब भी कुछ ना कुछ अंदर शांति आएगी, लेकिन अगर नाम को प्रकट कर ले इज्जत की कोई चीज नहीं, जिमदूत इसके नजदीक नहीं आती इस भक्ति के, नाम से एन साजना है? पापी कर तमाम दे कर दे हाय हाय, नानक क्यों मथन मदानिया क्यों मथे धर्म राय, नाम ते आयन साजना नाम तो दार जीत, नानक धर्म ऐसे जो है तो पवन पुनीत, वो भी नमस्कार करते इस भक्ति को, इस भक्ति से डरता व्यक्ति से नहीं डरता, भक्ति सबको साफ करता है, बाकी जितने कर्म धर्म वगैरह हैं सब उसकी भक्ति है उसके तैरे की, सबको साफ मांगता है, बल्कि रास्ते में रूल लेते हैं इसको पता नहीं, कर्म धर्म पाखंड जल्दी से तिन जम जागाती लूटे निर्वाण की तिंगालो करते का छूटे, सोचो ये तो रास्ते में जो रूप लेते हैं इसको पता नहीं, ये भी भक्ति है, इससे कोई शब्द गुरु की सच्चे नाम की ये काम करना था हमने आकर इस जिंदगी में, ऐसी दुनिया में झगड़े में पड़ी है असली चीज ये है, असली चीज को छोड़े बैठे हैं, ऐसे लड़ लड़के मर गई दुनिया, मुसलमानों के भत्तर फिर के हैं और उसमें हर साल लड़ते हैं शिया सुन्नी वगैरह, देख लो क्यों असलियत से बेखबर जी ने लिखा है, जहां जहां देखो तैं तय साचा बिन बुझे चढ़े जा कर देखा किसी ने भी नहीं ऐसी लगे, सोच लो एक मुसलमान की ने लिखा है मन से कुरान मगजराष्टम उस पेशे सगा के कुरान के मग को तो मैंने निकाल लिया है, क्या निकल मेरे को पकड़ लिया है, उसको हम नाम कहते हैं हड्डियां शहीद वालों के आगे फेंक दी लड़ो और मरो, ये असली भक्ति है, अंदर नाम को प्रकट करना शब्द रूप प्रकट करना उसका रस लेना अमृत पीना इसी काम करना था तो बोल भाई जिस हाँ जिसने इस नाम को प्रकट कर लिया कैसे करता है ये जिंदे मानने का सवाल है, जिंदा मानना क्या कब्रों में जाना नहीं, कई दफा आपने देखा होगा आप किसी ख्याल में बैठे बैठ बैठ टांग सो जाती अब वो काम नहीं करती, फिर सिर्फ ख्याल करो या दबाव काम देने लग जाती है, वहां से राम नाम की करण निकल गई थी कृपा साहब, वो करण सबके अंदर आया सिमरन करके देखो खाली करे, जिसको कहते जड़ चीज गांठ खोल ले ख्याल को अंक पीछे इकट्ठा करे, जिसके मतलब पूर्व मदास ने करवाया है नौ दर ठाके ताप रहाए दस में निच करवा सा पाए उसे अनहद शब्द वजह दिन लाती को मुत्ती शब्द सुना बने, इसका है कि नौ दरवाजे हैं ये इसमें मंदिर हर मंदिर श्री ज्ञान से प्रकट हुए, इसके नौ दरवाजे हैं दो आंखों के दो कानों के दो नाक के एक मुंह का दो शीशा के, इनको बंद कर फिर बंद करके बैठ जाओ, फिर मन दौड़ता भागते तो रोक सिमरन करके यहाँ खड़ा कर, जब खड़ा करेगा यहाँ पुल की आवाज आ रही है अनहद शब्द जी दिन रात दिन पर रात पर सुना कैसे जाता है गुरमति शब्द सुना अपने तो गुरमत वाला फकीर मिले जिसने इसको प्रकट किया है, गुरमुख और मनमुख कौन होते हैं से मनमुख जो शब्द न पहचाने जिसने शब्द का रस नहीं लिया अमृत नहीं किया वो नाम का रस नहीं लिया वो मनमुख है, जिसने लिया है वो गुरमुख है, गुरमुख जाता कर्म बदाता जो विचारे गुरु शब्द पहचाता गुरुमुख मरे न जब मैं गुरुमुख गुरुमुख शब्द सुनाया है उनके जरिए हम सीख सकते हैं, यहाँ आए तो फिर वो मिलता है नाम से तो पढ़ता है यहाँ से शुरू होता है, फिर कबीर साहब कहते हैं अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब कृष्ण हुआ कि मैं जब जिंदा मरा सात तक से तो लग पड़ा मैं सनातनी बन गया, यहाँ से नाम शुरू होता है फिर वो पवित्र होनी शुरू होती है फिर आर्य बनता है, आर्य मतलब क्या पाक श्रेष्ठ उस नाम में ज्योत है राम नाम है ज्योत सवाई सबके अंदर है, जब ज्योत प्रकट हुई ये खालसा बन गया पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा कहीं खालसा जाने इसी का नाम सच्चा होता है, इस नाम को प्रकट करना उसे तलक जोड़ना इसका नाम सच्चा सौदा है, सच्चा सौदा हर नाम है सत बापारा राम गुरुमति हर नाम अंजे तुम लुफारा राम
एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार सच्चा शब्द हर सच रचनी पर भंडार। तो इसका नाम अगर बन गया तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। काम तो बिल्डिंग तो नहीं सच्चा शब्द, ये तो फना हो जाएंगे। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसे पढ़ते हैं ना है? इस नाम को प्रकट करना इसका नाम सच्चा शब्द है। अगर बन गया तो सब कुछ यही काम करना था है। ये उपदेश है पीरों का नाम सब यही है। कंसम धन शब्द स्थानी का यही है, सब का यही है। इस शब्द गुरु को सच्चे नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है, जन्म के बदले छुड़ाने वाली है। हाँ बोल रहे सुनो क्या कहते गुरु नानक साहब। हाँ जी सब इस असली तालीम पे छोड़े बैठे हैं। हाँ हाँ जी धोखे अंदर भी बहुत हैं, उसको पता नहीं अंदर भी धोखे हैं। साहब ने कहा रगड़ा है भारी तो समझे संत जान रड़बड़ मच रही भारी। कई फकीर किसी नाम के जपने से आप यहाँ तक आ सकते हैं, मगर आगे बढ़ते हैं अगर रास्ता नहीं मिलेगा। कहते हैं धोखे हैं बिगड़े दाव लगा मेरा सतगुरु सुख से कर जाते बिगड़े दाव हैं। गुनान साहब वापस जाने लगे खुद अकालपुर गए थे, सीधे सीधे घेरना चाह वो तो उनकी चाल से वाकफ थे, निकल गया बस किसी तक तो निकल जाए बिगड़ेदा हुए ना क्यों गुरु मिले सुख हुए तो सभी निकाले तो निकाले बाकी नहीं निकाल सके। हाँ इस सिमरन से जो फकीरों का उसका तो लगन आप बस ये भक्ति है। हाँ हम रोज पढ़ते हैं ना प्रभ के सिमरन क्या नाम है प्रभ कृष्ण दूध जमना से प्रभ कृष्ण काल पर हरे पढ़ते हैं ना, इस सिमरन क्या गिनिया बस ये फकीरों वाला। हाँ जी मन रे तेरे रहो मत कर जाइया। कैसे भाई समझ में आता तुम्हारे? अच्छा पानी ठीक है आगरे के पास के हैं ये। हाँ हाँ तो ऐसे करके मैं बात से बेचारे की गुरु आए। हाँ जी हाँ मन रे तेरे रहो मत कद जाइयो मन रे तेरे रहो तेरे रहो मत कद बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे कर अमरत अटमाही जियो कर अमरत अटमाही जियो मन रे तेरे रहो तेरे रहो मत कस फिर बोल गौर से सुनो इसलिए है समझो बाणी कहती क्या है बड़ी ऊंची बाणी है ये इनको कदर नहीं। हाँ बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे कर अमरत कटमाही जियो कर अमरत कटमाही जियो। जितने काम कर रहे हैं हम शांति के लिए कर रहे हैं, जिसने विश्व कर्म में शांति तलाश की जितने विषय भोगे उतने दुख उठाए। बहुत स्वादों
दुख प्राप्त हो गए, भोगे रोग संत हो गए। ग्रंथ साहब ने यहां तक लिखा है, एक निम्फ स्वाद कारण कोट दे विच दुख पाए, एक निम्फ स्वाद कारण कोट दे विच दुख पाए, एक निम्फ घर की लज्जत हुई ली हुई, कोट दे विच का हिसाब लगा लो करोड़ दिन है? 25-30 हजार साल बन जाएंगे, इतना दुख उठाना पड़ता है, बेखबर है। सोचो किन बाल बच्चों में, किन जमीन जायदादों में, किन ओदों में, सोच लो किन कौम मजमों के झगड़ों में। शांति जब मिलनी है, अमृत जब मिलना है, जब ये अंदर जाएगा वो इसके अंदर है। कर अमृत कट माही जियो, सबके अंदर अमृत वास रहा है, इसको पता नहीं। जिम जिम भर से अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, पढ़ते हैं ना, कर कर में कुल चले, अमीर 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 महारस जाई। दादू साहब ने कहा है, सब फकीरों ने अल्फ ए तन रब सब चेदा हुजरा, बिच पाप गिरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत आज फिर तेरे अंदर आवे आती हूँ, आत्म याद कहो अमृत कहो, सबके अंदर है। फकीरों ने आखिर रोका दिया, उन्होंने रस लिया, अमृत पिया, हमें भी कहा भी तुम पी लो, होका दिया आओ पियो, जिसने पीना है सोच लो, आओ जिसने पीना है, कोई कोई पियो, रे राम रस प्यासा हरिजन, गगन मंडल में अमृत बरसे, उनके घर वासा दादू साहब कहते हैं। सब फकीरों ने होका दिया, बाहर तलाश कर करके थके, किसी को शांति मिली, माया में शांति मिली किसी को? अमरीका सबसे अमीर मुल्क है, उसने फोर्ड सबसे अमीर आदमी, उसने एक दफा लिखा कि मुझे कोई शांति दे दे, सारी माया में से ले ले, तो माया में शांति ना हुई इसके लिए सोच लो दौड़ भाग कर रहे हैं, शांति इसके अंदर है। बाहर हजारा जब तक कभी शांति नहीं। एक नामधारी आया हमारे पास, कहने लगा मैं सत्संग भी करता हूँ, नाम भी देता हूँ, लोग 16 पैरों में अखंड पाठ कहते हैं, मैं 7 पैरों में कर सकता हूँ, अंदर शांति नहीं। वाणी तो कहती है अंदर नाम को परोपकार है, नाम मिले मंत्र के बिन नाम मित्र की जीवास, अंदर नाम को परोपकार है, नहीं तो ऐसे जन्म गया बर्बाद है। नाम के परोपकार में भी शांति है, उसमें अमृत है, शांति इसके अंदर है, बाहर है ही नहीं। नाम मिले मंत्र के बिन नाम मित्र की जीवास, तो गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दस प्रभु अंतास, 29 मीटर चौखंडी में नाम परोपकार। अगर कोई ऐसा गुरमुख मिले, ऐसा फकीर मिले जो नाम की महिमा बताए, नाम को परोपकार ने सिखाया है, मैं उस पर जान भी कुर्बान कर दूं, फिर नाम की और चीज हुई, सोचो वो अमृत इसके अंदर है, वो शांति इसके अंदर है। ये बाहर दौड़ता भागता फिर रहा है शांति के लिए, ये थोड़े दिन सिमरन करके तो बैठे हो, देखो अब क्या नाम है, गन्ना बीजेंगे ना, कणक बीजेंगे ना, 6 महीने इंतजार करेंगे, ये 2 महीने तो करके देखे, अंदर सिमरन करके भी देखे, देखा अंदर शांति आती कि नहीं आती अच्छी तरह, इसका तजर्बा नहीं किया, किसी ने कह दिया इतनी गंदम निकलती है हमारी बीज ऐसा है, इतना गन्ना है, उसका तजर्बा किया 6 महीने, इसका ना किया किसी, कोई करके तो देखे, सिमरन करें, सिमरन तो कोई करता नहीं, फिर शांति आ जाए। अगर शांति आ गई सब भूखे मिट जाती है, नाम अंदर प्रकट हो जाए, सच्चा नाम मेरा धार, सच्चा नाम आधार मेरा, जिनको भूखा सब गवाइया काम तो ये करना था जिंदगी में, नहीं तो ऐसी जिंदगी बर्बाद गई। सोचो ये मीरा ने कहा है, क्या वो सतगुरु इसके अंदर है, दरअसल ये प्रेमियों का मजून खास खास का। मेरा तड़पती फिर रही थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी, गहने कपड़े उसके पास, नौकर चाकरी उसके पास, सोच लो राजपाट उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, क्या कमी थी, मालिक की प्राप्ति की, अंदर शांति की, मालिक ने मेहर की, रुदास मिल गए, फिर उसने मेहनत की, क्या कहती है फिर वो, सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिला, किसके थ्रू, कुठी सांकड़ी गली में आए, राह खुदा भी हावला बालों दस में भाए, कहते हैं ना, यहाँ आए तो मिले, फिर यहाँ से नाम से तलक पड़ता है, फिर क्या कहती है, पायो रे मेरे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद रसमायो, जिसकी चोरी कबूना हुआ ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख तुमने हुए दिन दिन वर्ष पायो, ऐसा धन है इसके अंदर है, ऐसा खजाना इसके अंदर है जो कभी खत्म ही ना हो, सोचो ऐसा खजाना है, ये खजाना हासिल करना था। कहते इसके ख्याल को टका, मन रे फिर रहो, मन का ठिकाना कहा, यहाँ जब कोई बात समझ में नहीं आती हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, यहाँ टका, यहाँ से रास्ता शुरू होता है। मन रे फिर रहो, बस अगर टिक जाए एक दफा, एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिन सदा फिर सदा जिंदगी मिल जाए, एक चित जिन एक चिंत्या आयो, काल फांस के बीच ना आयो,
काल नजदीक ही नहीं आता। हाँ मन रे मन रे तेरे रहो फिर रहो मत कद जाई जियो नाम के प्रकट करने के लिए सुनने की जरूरत है। फिर मन सिमरन करने नहीं देता। फिर फकीर कहते हैं अच्छा भी तू रात को जाग पोथी पढ़ ली कभी कुछ कर लिया कभी बाणी पढ़ ली कभी कुछ कर लिया ताकि ख्याल ठीक रहे। फिर बाणी पढ़ने में जोर देने शब्द गाने में जोर देने लग गए। फिर ये भी ना हुआ सोच लो फिर रिकॉर्ड ही छप गया। अब बोलो रिकॉर्ड में भी जबान से भी गया बोलो असली तो नाम को प्रकट करना ये असली बात ही है। सब पढ़ने पुढ़ने के पढ़ना गुड़ना एक नवा पूजे को विचारी और कूट पढ़ना कूट बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे खुश फिर नहीं पट पड़ो और हाँ हाँ जी छोटी जी चीज है सिमरन ये मेन चीज है बस नतीजा आखिर ये है। हाँ जी जिस चल निधि का राणा तुम जग आए जिस चल निधि का राणा तुम जग आए सो अमरत फरमाते हैं कि तुम्हें आदमी की चुन्नी क्यों मिली है। ये गद्दे घोड़े ऊंट बैल और दुनिया जितनी हैं ये भी हमारी जैसी रूहें हैं। तुम्हें क्यों टाइम मिला है कि मालिक ने चांस दिया है कि अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर ले जन्म मन के बंधन छुड़ा ले अंदर शांति हासिल कर ले। जिस जल कारण तुम जगाए तो अमृत गुरु पाही जियो। जिस शांति की तलाश में हो वो अमृत तुम्हारे अंदर है उसका दाता सदगुरु भी तुम्हारे अंदर है। जिस पीर से पूछ के अंदर जाए तुम सब कहते हैं मैं मत ही दीन दिल दीना संत शरण सतगुरु को जीना। संत गुरु शरण में जाकर वो सतगुरु प्रकट होता है। फिर नाम से तलक पड़ता है वो पकड़ाया तो पकड़ाया किसी के हाथ में अंदर अनेकों नाम है अनेकों धोखे हैं अनेकों अनंत है वो खुद पकड़ाया तो पकड़ाया किसी के अख्तियार नहीं है। इसको पता नहीं अंदर भी अमृत के हौज भरे पड़े हैं नकली भी हैं पहले तो बाहर हैं फिर अंदर भी आला कोई और चीज है वो बहुत दूर है त्रिलोक से पार है। गुरु नानक साहब जब मिठन को गए ना क्या नाम है मक्के में गए काली रुकने ने पूछा खुदा कहाँ रहता है उसके महल के कितने दरवाजे हैं कितनी खिड़कियां कितनी किंगरे हैं। वहां उन्होंने फरमाया नौ दरवाजे कोट दे दसवां महल नूर महल ये नौ दरवाजे हैं आंखों के कानों के नाक के मुंह का टट्टी पेशाब के दसवां खुले अंदर हौज याती पुर भरे तिस विच कमल चल अमृत के हौज भरे पड़े हैं आला से आला कौन सा कमल का दसवें द्वार का वहां कोई बिरला पहुंचा नीचे करो लिया कहीं ने कृष्ण ने लिखा है तेरी काया रहे अलमास पी ले रे नाम की गुटी ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति दास कबीरे ऐसी पी आवागमन छुटकी कि पी तो उन्होंने भी लेकिन उनका आवागमन के चक्कर खत्म हुआ शांति तो उन्होंने मिली कुछ ना कुछ लेकिन मैंने ऐसी पी है कि आवागमन का चक्कर खत्म हो गया। जिन फकीर ने पी है उन्हें आके होका दिया पियो तुम भी पियो 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 वो जब आते थे मस्त कर देते सबको यही देख लो। दुसान जी ने पी एक दफा सत्संग था यहाँ रखा हुआ उसकी बरात भी आई हुई थी तो बरात वाले सुबह शराब पी हुई गलियों से
आपस में मखौल करते हुए उधर निकल गए, सासू में जाकर बैठ गए। ऐसे बैठ गए जैसे पुराने मस्ती का पता नहीं लगा उन्होंने शराब की था। सोच लो हमारे सामने हुई है, फिर बुलावे भेजे रोटी के लिए, कोई उठे ही ना, फिर ऐसे उठे हैं जैसे पी नहीं, ये है उनकी मस्ती, दूसरे को मस्त करते, उनके अंदर से खुशबू जैसे फूल में से खुशबू आती है ना, सोचो जहां से गुजरोगे खुशबू आएगी ना, अगर गंध के पास से गुजरो उनके अंदर से भी मस्ती की राहें फूटती हैं, अगर वो आप ही कामी क्रोधी है तो उसके अंदर से वो लहरें आएंगी। बस नाम भी और क्या चीज है, ये नाम कहना और क्या चीज है, लफ्ज नाम नहीं, लफ्ज नाम नहीं, ये मालिक है उसे बताते हैं वो है, लेकिन उसके क्या साथ है शक्ति जाती है। आपको प्रेम से कोई बात कही तो अंदर प्रेम गया, वही बात क्रोध से कही तो अंदर आ गई, लफ्ज तो वही है, अगर उसके अंदर नाम है मालिक का प्रेम है तो जिसको नाम देगा उसके अंदर भी वही चीज जाएगी, वो आप ही कामी क्रोधी है तो उसके अंदर साथ वही जाएगा और क्या जाएगा। इसको कहते जिया दान, इसको कहते बैत होना, इसको कहते इनिशिएशन। जन्म मन दो में ना ही जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर से लाइन लाए, वो नाम का इंजेक्शन इसके अंदर देते हैं, लफ्ज तो जपे ना जपे वो काम करता ही रहेगा, लफ्ज का जपे या ना जपे वो करता ही रहेगा काम ऐसा ऐसा, उसका नाम है जिया दान। ये भागो से मिलता है, वो नाम का इंजेक्शन रूह में देते हैं, इसको पता नहीं लगता, इसका नाम जिया दान है, अगर जिया दान नहीं आगे चल ही नहीं सकता। पानी है हाँ जी, जिस जल निधि का राणा तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो, सो अमृत गुर पाही जियो। अगर वो पी ले, सोचो मीरा ने पिया, उसको जहर भेजी, अमृत बन गया, शाम भेजा हार बन गया, इतनी ताकत आ जाती है। सोच लो राज ने कहा कि मीरा दिखावा राम, क्या दिखाए, वो खड़ग लेकर चला उसके पीछे, जहां देखे मीरा, ये है अमृत पीने का निशान, इसका नाम अमृत पीना, ये पीना था कर जिंदगी में। ये रस लेना था, ये शांति लेनी थी। यहाँ तो अनेक नमूने दिखाए मुसा जी ने मस्ती के, ख्याल ही नहीं किसी को भी, वो भी मस्ती निकालनी है, बस ऐसे फिरते रहे मस्ती। तो अमृत गुरु पाही जियो, दुनिया के फकीर हैं वो, दुनिया के आश्रय काम करते हैं, लेकिन जो मालिक के हैं वो मालिक के आश्रय, अगर कुल्लों में रंग भर सकता है, पीला हरा ला सकता है, वो दे नहीं सकता, सोचो ये आराम देने वाला, बस इसको खुश करे सब दिल खड़ा है। जो जो जपे मुसान जी फरमाया करते थे, देखो भाई तुम्हें काम करने वाला नाम दिया है, तो सिमरन करो, देखो इसके लक्षण है, देखो क्या करके देता है, तुम भी सिमरन करो, तुम भी जो अगर ठीक भजन करो तुम भी खजाना बांटने वाले बन जाओ, तुम्हारे अंदर सबके अंदर है वो, जैसे विद्या इसके अंदर बसने लग जाती है, अभी दो जमात पढ़ गया उतना काम ले लिया, चार पढ़े उतना, दस पढ़े उतना, बीए पढ़े उतना, एमए पढ़े उतना, जो बात की थी रामवास, अगले स्मरण करे वो राम भी इसके अंदर बसने लग जाता है, एक धन्य गोई चराई नामदेव की छपरी बनाई, सोच लो इसके भी काम करे, लेकिन खाता नहीं, दवाई खाता नहीं, नाम जपता नहीं। अगर जपे तो ऐसा ऐसा बेफिक्र हो जाए, वो सारे काम करता है, मैं क्यों, मैं भक्ति में लगा रहूं, आप करता रहेगा। हाँ हाँ जी, हाँ
छोड़ो वे देख चतराई दुबधाए फल नाही जियो दुबधाए फल नाही जियो। गुरु नानक साहब ने फरमाया वहां ना दरवाजे कोट ते दसना नूर महल और ज्याति पूर्व रहते से कमला चल। अब क्या कहते क्यों नहीं पीता अमृत गिरद महल दे कोट है बावन किंगरे तिस किंगरे किंगरे तो की वर्णन होंगे किस पुराने किलों की मसाल दी है वहां किंगरे हैं उन्हें तोपची बिठा देते थे अगर कोई हमलावर आवे तो उसको रोके वहां से तोपें चलाते थे। इसके अंदर भी है इसको पता नहीं किंगरे किंगरे तोपची वर्णन देंगे किस सात समुंदर खाइया नदियां अंत न पार कई रखवाले सूर में प्याते थे सवार। यहाँ भी फौजे हैं ना खाइए खोद देते थे किलों के आगे इसके अंदर भी है इसको पता नहीं बारह बुर्ज महल दे नौ दरवाजे नाल पांच ख्वास पहरू चौकी देर सवाल बारह बुर्ज हैं कौन से एक ये हिस्सा एक ये तीन तीन इधर के तीन लातों के नौ दरवाजे ये हैं पांच ख्वास पहरू कौन से काम करो लो हंकार कभी काम ने पकड़ लिया कभी लोभ ने पकड़ लिया कभी मोह ने पकड़ लिया कभी हंकार ने पकड़ लिया कभी क्रोध ने पकड़ लिया ये काम नहीं करने इनका काम कर रहे हैं और क्या है सोचो ये पहरेदार बैठे हैं इसको अंदर नहीं जाने देते हैं इनके मुकाबला रखे तो जाए कैसे जाए बोलो सोचो इतने देख लो पहरे बैठे हैं ना एक महल दो बारियां शिव शक्ति सुल्तान ये महल है इसकी दो बारियां ये इसे ने कहा आईजार दिसोल ये आंखें बाहर काम करने के लिए है शिव शक्ति अंदर खोल ले तीसरी आंख नाम से अखड़िया बहन जिन्हें दुशन मापरी वो खोले तो अंदर मालिक को देखे फिर रस का पता लगे ऊपर खासे महल दे देवे बांग खुदा है सुते बांग ना सुन सके रहा खुदा जो है कि तू यहां बांगे देता है तेरे अंदर बांगे दे रहा है अल्लाह जिसको शब्द कहते हैं नाम कहते हैं वो इसके घर कर आता है उससे तल्लुक पड़ जाए शब्द मिले तो हर मिले सेवा को सब था सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार कहे की वीरता देखिए बैठा पुरुषमार ये तो ऊंची चीज है पर सिमरन भी करे तब जाए कैसे करें ये सिमरन करता नहीं या ख्याल को टकाता नहीं फिर कैसे जाए सोचो ये काम करना था आखिर हाँ अनेक बंधन फंसा पड़ा ये बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या बंधन कर्म धर्म किया बंधन पुत्र मन दिया बंधन भेदभाव अहंकार सोचो कमों के मजबों के ये नहीं भी छोड़ के परे हो जाना है छोड़ के भी कुछ नहीं बनता छोड़ के जो गए कुछ बना किसी का इनमें गुजारना भी है थोड़ी दे दिया मालिक ने थोड़े में गुजारा ज्यादा दे दिया उसने बच्चा मर गया उसकी मौज पैदा हो गया उसकी मौज दुख आ गया उसकी मौज सुख आ गया उसकी मौज ये रहने का तरीका है उसकी रजा में रहे क्यों पावे त्यों राख ले ये रजा में रहता हुआ पंचमन करे बस फिर छुटकारा है अगर घर बार छोड़ के गए लेने देने खत्म नहीं होते किसी का देना है किसी का लेना है ये भी खत्म करने हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है जो दिल से फकीर है क्या वो दुनियादार भी है माया से निज प्यार नहीं करता वो सच्चा साधु है जो भजन करता है जो फकीरी लिबास में है माया के लिए मरता है इधर उधर से पैसे इकट्ठे करता है वो फकीर नहीं सोच लो जिनका मन वृक्ष सदा रहो जहां चित लाए घर बार दो एक साथ डायरी दुदा खाए के घर के बाहर है जो चित्ता में नाम दोनों है ग्राम के जंगल के ग्राम में कोई सवाल नहीं घर में रहता हुआ हकलाल की कमाई खाए माल की रजा में रहे थोड़ा देर थोड़े में गुजार ज्यादा ज्यादा में और भंस करे बस हमने छुटकारे का बंदोबस्त कर ये काम करना था ये रहने का तरीका है जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने सुरत शब्द बहुत सागर करिए नान गणा बखाने जैसे पानी में कमल होता है ना कमल का फूल पानी ज्यादा होगा डंडी लंबी होगी रहता सीता पे है पानी थोड़ा हो गया वो नीचे हो गया बस इधर रहे दुनिया में अलग मुर्गा भी है पानी में रहती है जब उड़ी पैर सूखे के सूखे पाऊ सोच लो पर सूखे के सूखे ये है दुनिया में रहने का तरीका छोड़ो वे देख चतराई दुबधाए फल नाही जी ये ख्याल ही छोड़ दे बाहर मनता शांति है ही नहीं
छोड़ो भेस पे चित्राई, चित्राइयों से नहीं मिलता, इन्हें मन बुद्धि के ज्ञान ने तो मिट्टी प्लीत कर दी सबकी। जहां जहां देखो तह ते साचा बिन बुझे चगड़ी जा कर चा, हम रोज पढ़ते हैं सह सियाण पर लख होना चले नाल, उसे कोई नहीं चलती है। अखन जोर चुके ना जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, हजारा जतन काले नहीं, ये उसके हाथ है, उसके अगर रोए पीटे वो मेहर करे तो करे, नहीं उसके हाथ है सब। रोज बैठे हो आगे पुकार करे सिमरन करे, बस फिर हासिल कर सकता है। अहंकार का मार्ग ही नहीं, ये तो दीनता का मार्ग है। जिसने पाया दीनता और वृद्धि से पाया, हस्ती मिटा कर पाया, इतनी हस्ती मिटाए जैसे मार्ग ने मिटाई हुई है। ये सब कहते हैं हस्ती मिटाने के मतलब। कबीर, रोड़ा हो रहा है बाट का ताजमान का मान, ऐसा तेरा दास हो ताही मिले भगवान, के रास्ते का रोड़ा हो जा रेखी ठुकर खा कहते, फिर ये भी रोड़े से किसी चोट लगे खे बन जा, फिर कहते ये भी नहीं, उससे कपड़े खराब होंगे किसी के, हाथ पांव खराब होंगे, फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा, फिर कहते वो भी नहीं, गर्म की जरूरत है ठंडा मिल गया दुख, गर्म की जरूरत है ठंडा मिल गया तब भी दुख। कबीर, पानी हुआ तो क्या भैया, जो सीरा तत्ता हो हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए, वो मालिक सबका मालिक है, उसकी कोई निशानी है? कोई गाड़ियां निकाले किसी की रोटी बंद की, सोचो इतनी हस्ती को मिटाया तब मालिक का रूप बन सकता, ऐसे नहीं। अगर जरा भी अहंकार है, जब ये मन में कर्तव्य माना तब ये बाबर फिर बुदाना, जब ये हुआ सगल की रहना ताते रमे घट घटी ना, ये तो हस्ती मिटाने का मार्ग है, तब हासिल कर सकता है। हर के भक्त सदा सुखवासी, बाल सुभाष सदा उदासी, हर भक्त उदास रहे हैं कि मालिक हम तो कुछ भी नहीं जाने, तेरी मेहर ही है, ले जाए तो ले जाए, बस वो खुद ले जाए तो ले जाए, बाकी नहीं, ये उसके हाथ में है। हाँ, दुनिया तो ठेके लिए बैठी है, वो कहता हमारे पास है, वो कहता हमारे पास है, वो कहता हमारे मजहब में है, वो कहता ये है वो है, हर एक साधु कहता मेरे हाथ में है, ये उसके हाथ में है, बस किसी के हाथ में, ये दात उसने अपने हाथ में रखी है, दाते दात रखी है अपने जिस पावे तो दे। हाँ, छोड़ो वैसा देख चतुराई डूब जाए कल नहीं जियो। संत जोहन्ना ने लिखा है कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव दी अपनी कोई ताकत नहीं जो मेरे को आवे अते मेरे नाल संबंध पैदा करके भगती विच लगे जब तक कि वो मालिक खुद उस जीव ते मेहर ना करे। फिर फरमाया कोई भी मेरे को नहीं आ सकता जब तक कि वो पिता जिसने मेनू भेजा है किसे जीव नू प्रेरणा ना करे। अब वो ठेके लिए बैठे हैं कि सारे सारे जगह ईसाई बन जाने, बस बन जाए तो छुटकारा है। हा? वो कहता हमारा बस बढ़ जाए, वो कहता हमारा सोच लो, वो कहता मैं उन रूहों के लिए आया हूँ जिनको मालिक मेरे पास भेजेगा। फिर क्या लिखते हैं? हाँ, आगे संत उना जीवा नू भी चेतावंदे हन जिन्हां नू मालिक उना दे हवाले करता है, अते संत भी उना ले ही मालिक कोल दुआ करते हन, आम जीवा ले नहीं। गुरु नानक साहब फरमांदे हन कि उस सच्चे मालिक ने आप ही सब जीव चाहे खोटे चाहे खरे पैदा कीते हन, अते आप ही खोटे खरे दी परख करन वाला है, आप ही खरे खरे परख के अपने खजाने विच वापस दाखल कर लेंदा है, बाकी सब जीव परमा विच फस के खुले फिर रहे हन अते चरासी विच तके खा रहे हन, खोटे खरे खुद आप उपाए खुद आपे परखे लोक सबाए, खरे परख खजाने पाए खोटे परम पुलावने। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, कौन नानक ते सुखाए तुद कर रन बाजे, जिन पे मेहर करे वो। हाँ हाँ जी, ये काम करना था आकर मालिक की रजा में रहते हुए भंसन करके अंदर ही रस लेना था, शांति लेनी थी। कहते छोड़ो बेस पे चित्राई, चित्राई छोड़ दो, ये पेखों में नहीं, पेखों में तो लड़ाई झगड़े हैं, पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे कुमार, नानक हर विसराए के कौन दे नरक अंधार, दुइयों में रह गए सोचो, पेखों का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो अंदर जाने का सवाल है।
स्कूल खुलता है कोई डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, जो तालीम हासिल करे, इसी तरह रूहानियत गया है, गुरु नानक साहब के पास सारे आए, हिंदू मुसलमान सोचो, कबीर साहब के पास सारे आए देख लो, और फकीरों के पास सारे आए, मतलब का तो सवाल ही नहीं है। हाँ जी छोड़ो वे देख चतराई दुबदाए पल नाही जियो, दुबदाए पल नाही जियो। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि भेसों देखकर, भेस को देखकर दुनिया तो इसके पीछे लग जाएगी, बड़े बड़े राजे महाराजे पूजन लग जाएंगे, रोटी तो चल जाएगी, लेकिन मालिक नहीं मिलता। मालिक उसको मिलता है जिसने मन को काबू में किया। हाँ हाँ जी लड़ाई तो ये करनी थी, मन ना झगड़ा मन ना साथ, मन जीते जग जीत, काम तो ये करना था, लड़ाई बाहर रख ली। हाँ जी हाँ अब गुण छोड़ गुना को तावो, अब गुण छोड़ गुना को तावो, कर अवगण पछताही जियो, कर अवगण पछताही जियो। ये मन हमारा दुश्मन है, ये विषयकारों से साता है, विषयकारों के लिए फिर चीजों की जरूरत है, चीजों के लिए सौ गुना करता है, चोरियां ठगियां नाकारियां देख लो, के अवगुण छोड़ गुण अख्तियार कर भक्ति के, जिससे मालिक की प्राप्ति हो, अगर नहीं छूटते तो पुछता मालिक के बेनती कर, पुछताता भी नहीं सच्चे दिल से, और कहता ऊपर ऊपर से राज से आता, अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से बेनती करता है, पुछता सच्चे दिल से, फिर मालिक भी मेहर करे उसके आगे बेनती कर। हाँ ये ठीक है, जल्दी एक नशा लग जाता है वो छूटना मुश्किल हो जाता है, देख लो, कहते ये अवगुणों से भरा पड़ा है, जुगा जुग से अवगुण कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मालिक की बेनती कर, मालिक तू ही छुड़ा तो छुड़ा, मेरी तो कोई ताकत नहीं, फिर वो भी मदद करे। हाँ अवगुण छोड़ गुना को तावो, करे अवगुण पछताही जियो, करे अवगुण सारी अपसार की सारी न जाने, फिर की च बड़ाई जियो, सुनवाते हैं कि है मन, तुम्हें तो अपने भले बुरे का भी पता नहीं, पता ही नहीं, जिसमें बुराई है उसको भला समझता है, जिसमें भलाई है उसको बुरा समझता है, क्या दुनिया की चीजें मिल जाए बड़ा खुश है, ऐसी दुनिया भाई दीवानी, भक्ति भाव ने गुजे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करा ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी, सांझ का को कहा नहीं झूठे जग कीजिए जी, कह कबीर सुनो साधु अंधो कर कीजिए जी, वो हमें निकालने के लिए आते, बंदो छुड़ाने के लिए, देखिए चलो अपने घर सोचो, जिन तुम पेजे तिनी बुलाए, सुख सह स्थिति कराओ, आनंद मंगल गाओ, सही तुम निचल राज कमाओ, कि चलो अपने देश वहां जाकर राज कमाओ, ये राज क्या करेंगे दो दिन के, आज है कल नहीं, परले हुई सब खत्म, फिर बन गई दुनिया, कहाँ गए राज, कहाँ गए कौमे, कहाँ गए मतलब, सोचो देख लो, ये राज करना था, ये हासिल करना है, वहां पहुंचना था अपने घर में सहज अवस्था में,
कहा है वो त्रिलोक किसे पार चौथे लोक में त्रै गुणा में सहज न पाइए त्रै गुण परम पुलाए बड़ी गुणिया की कथी है जो मुंडो कुत्ता जाए चौथे पद में सहज है गुरु पले पाए ये काम करता था आकर सोचो दुनिया दुनिया की चीजें मांगता है भक्ति तो मांगता ही नहीं अंदर नाम का रस चाहिए करते देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया जिलेबी का लिया अंगूरों का लिया सेब का लिया जो माल में तुम्हारे अंदर रखा था रखा है तुम्हारे लिए वो ना लिया ये अमृत पीना था इसके अंदर ये असली चीज है जिसने ये ले लिया जिसने ये हासिल कर लिया वो दिन में फायदा उठा गया नहीं तो जन्म बर्बाद करके गए हाँ हाँ जी लिखा नाम मिले मंत्र के बिना मित्र जीवास ऐसे जिंदगी गई हाँ हाँ जी सारी आप सारी की सारी जान फिर की चुड़ाई जियो फिर की चुड़ाई बार बार कीचड़ में फंसता है सोचो निकले यहां से कीचड़ से गंध से फिर कीचड़ जियो कैसे फंसता है पहले तो इसको तन का प्यार है ये छोड़ना नहीं चाहता ये ऐसा प्यारा है बुढ़ा हो गया मरने के करीब है खुल खुल करता है कोई रोटी नहीं देता फिर भी कहता मरू ना देख लो दुनिया भार इस तन को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि तन चाहता है फिर मालिक इसकी इच्छा पूरी करता है इसको तन देता है कैसे देता है हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी इच्छा के हिसाब से माया तरफ ख्याल आए अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सत्य जून बल बल उतरे तन मिल गए सांप का सोचो माया पे बिठा दे पेट भर ले भाई कर ले चिपूरी अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुकुर जून बल बल उतरे पीछे बचे बचे फिर रहे हैं अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जून बल बल उतरे घर घर में मड़ी पड़ी हुई सोचो मकानों में ख्याल रह गया घर घर में मड़ी है देख लो एक प्रेमी ने सुनाया आकर उन्होंने मंडी पाई को नहीं गुरुद्वारा है वहां अच्छे कमाई वाले कुछ फकीर हुए हैं एक साधु आ गए वहां कहने लगा मैंने जाना तीर्थों पे ये मेरी गोदड़ी रख लो मैं जब आऊंगा फिर ले लूंगा उनका अच्छा भी रख जा रख ली कई सालों ना आया जब वो ना आया तो उस फकीर ने कहा प्रेमी से कि उसकी गोदड़ी रख गया था गोदड़ी तो लाओ आया तो है नहीं जब गोदड़ी उठाई उसमें से निकला सांप उन्होंने कहा जी इसमें सांप आके इसको मारो ना जब गोदड़ी खोली उधेड़ी उसमें से निकली चार मोरें कहां मरा कहां आगे सांप पड़ा ना बना ठीक लिखा ना उन्होंने अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जून वालों रखे इसलिए चुरासी में धक्के खा रहा है बस अगर सदगुरु की तरफ ख्याल हो तो सदगुरु के पास जाए बात इतनी है रोज पढ़ते हैं ना अगर मालिक की तरफ ख्याल हो तो मालिक के पास जाए अगर सदगुरु की भक्ति की तरफ ख्याल है नाम की भक्ति की तरफ ख्याल है चाहे नहीं बनती ख्याल तो उस तरफ है जाएगा कहां फिर वहीं जाएगा कहां जाएगा जहां आसा तहां आसा अंत मता सोई कथा कहते हैं ना हाँ जी भजन करता है क्या नहीं बनता ख्याल तो उस तरफ हुआ हाँ जी कई मनसा जी फरा करते थे क्या कि एक मिनट भी सिमरन ना छोड़ो ना बने तब भी ना छोड़ो बैठो सही तुम्हें मजदूरी मिलेगी ख्याल तो रहेगा मौके फिर तो याद आएगा अगर रोज बैठता है जो काम रोज करते याद रहता है ना अगर रोज बैठता है चाहे मन नहीं लगता याद तो रहेगा मौत के वक्त याद आ जाए फिर जमदूत कहाँ आएंगे यही तो कबीर साहब ने कहा है अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा यानी ब्यास याद कैसे आएगा हाँ
दो वक्त जरूर बैठाए, चलते फिरते लगा रहे, काम भी हर्ज नहीं होता। देख लो नामा कहे तो जिना मुख से राम सुमार हाथ पाँव कार काम सब चीत रंजन नाल। अब खेती करते हैं ना, हल चलाते हैं, सोचो बीजते हैं, अब काम तो हाथ से करते हैं, ख्याल कभी घर में है, कभी रिश्तेदारी में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। सोचो खेती में कोई फर्क पड़ा, इसे सिर में उल्टा है, बोले रब दा की पौना इधर पुटना इधर लाना, दुनिया के ख्याल निकाल के बस हल भी चलाता रहे सिर भी करता रहे। तभी उन्होंने कहा नामा कहे तुलोचना मुख से राम सुमार हाथ पाँव कर काम साफ चीत रंजन नाल। जो हिसाब का काम है इसमें तो फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें तो कोई काम फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ जी अंतर में लोग झूठे अंतर में लोग झूठे बाहर ना काई जियो बाहर ना काई जियो। के अंदर तो मैलों से भरा पड़ा है, बाहर नहाना के थक गया, जिसने धोया और क्या किया इसने, मैलों के पता नहीं कौन सी हैं। तन के जरिए चोरी करता है, जनाकारी करता है, जीव हिंसा करता है, वचनों के जरिए झूठ बोलता है, कड़वे वचनों से दूसरों का दिल दुखाता है। सोचो निंदा चुगली वगैरह, मन के जरिए फजूल बुरे संकल्प उठाता है, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध के, तन के जरिए ऐश्वर्य बदकारी के समान खरीदता है। सूरज जो मालिक की तरफ लगानी थी वो मोह माया जड़ पदार्थों में लगाई हुई है। सोच लो इन मेलों का पता ही किसी को नहीं, झूठी चीजों का अहंकार करता है, इस मेलों का पता ही किसी को नहीं। ये अंदर शब्द के तीर से नाम के तीर से धोती जा रही, फिर मेले उतरती है ऐसे नहीं। हम रोज पढ़ते हैं परी हाथ पैर तंदे पानी तोते उतर उसके, मुद पलीती कपड़ो दे साबुन लिये तोये, परी मत पापा के संग वो तो पर नामा के रंग। अगर हाथ पांव खराब हो जाए पानी से धो लो भाई, टट्टी पेशाब से कपड़े हो जाए साबुन लगा के धो लो। सोचो और जो पापों की महिला है वो नाम के तीर्थ में पहले सिमर करे, अंदर जाए फिर नाम जिससे तो पड़ता है। दूसरा जी फ्राई करते थे जैसे साबुन में ताकत है, सालों की महिला को निकाल देता है, इसी तरह अंदर सतगुरु और नाम में ताकत है, करोड़ों जुगों के पाप खत्म कर देता है। वो नाम में ताकत है, अंदर जाए तो हो साफ हो। अंतर मैं लोग वो झूठे बाहर ना वो काही जियो, बाहर ना ना के थके मेले साफ हुई, काम घटा क्रोध घटा लोग घटा मोह घटा अहंकार घटा। अंतर में ये हमें किया जो ये सबसे बुरी है, ये सबसे बुरी है, ये सबको नचा रही है। हम विचाया हम विच गया हम विच जमे हम विच मोया हम विच चार कूड़ यार हम विच पाप उन विचार हमें दीर्घ रोग है दारू भी समाए, ये लाज बीमारी है। इसका इलाज क्या है, कृपा करे जगह अपनी तो गुरु का शब्द माए, अंदर शब्द गुरु को प्रकट करे नाम को प्रकट करे फिर ये साफ होती है। नहीं हाँ हाँ जी ये सब कुछ किया कराया सब खत्म कर देती है। तीर्थ पर तब दान तार मन में धरे गुमान नानक ने खुल जाता है जो कुछ रुशना खत्म किया करा सब गया जवाय अहंकार मैंने ये किया बस खत्म। देख लो पहले तो कुछ करता नहीं, अगर किया मैं इतना भजन करता हूँ मैं इतना दान किया बस खत्म। तन मन दिया तो भल किया सिर का जासी भार जो कहीं का मैं दिया बहुत सहेगा मार। हाँ हाँ जी ये बड़ी दीवार है, सबसे बड़ी दीवार ये है। तन दिल की संगवासा बिछाओ में भितकरारी ये आगे निकलने नहीं देती। हाँ हाँ जी अंतर में लोभ पा झूठे बाहर ना
जपो सतगुरु मुख निर्मल नाम जपो सतगुरु मुख अंतर की गत ताही जियो अंतर की गत ताही जियो वो निर्मल नाम इसके अंदर है सिमरन करके अंदर प्रकट करे वो सब मेरे साफ कर देता है। ये असली पूजा है बिना में और पूज ना हुई परम कुली लुकाई बिना में दा टोई नहीं तां जम करे खुआरी सोचो ये काम करना था आकर इस नाम को प्रकट करना तब शांति मिलेगी नहीं नहीं हाँ निर्मल नाम जपो सतगुरु मुख अंतर की गत ताही जियो अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा पूर्ण त्याग पर हर लोभ निंदा पूर्ण त्याग सच गुरु वचन कहते अगर वो रस लेना है अमृत पीना है तो क्या कर पर हर लोभ निंदा कूट त्यागो कूट का ख्याल छोड़ हम रोज पढ़ते हैं कूट राजा कूट प्रजा कूट सर संसार कूट मंडप कूट माड़ी कूट वैसनहार कूट मियां कूट बीवी कूट सोना रूपा सब कुछ कह गए आखिर क्या कहते हैं कूट मिठा कूट माखे कूट डोबे पूर सोचो नान मुखाने बेंत तुझवा जो कूड़ो कूड़ पूरा पूरे सी में खत्म हो गए कूड़ में वो कहते छोड़ो कूड़ ये सारा कूड़ है बाहर तरलोक की ता कूड़ा संसार देखा जाए इसी में फंसा पड़ा है ये कूड़ छोड़ना था ऐसे पौड़ियां पढ़ते हैं ना ये कूड़ की पौड़ी है इसको छोड़ो हमे की पौड़ी इसको छोड़ो सच्चा पर जानिए ये हृदय सच्चा होए क्या आगे तन की मैल उतरे हाँ हाँ उसको बोलो ये मैल उतारे तब अंदर जाए कैसे जाए सचता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास वो तीर्थ इसके अंदर है सोच लो धरती का सोच कैसे नाम का बीज बो बोलो देख लो ये तो कोई करता नहीं ये पौड़ी चढ़ना था ये पौड़ी चढ़ने के लिए है कि ऐसे पढ़ने के लिए काम तो किसी ने किया रोज पढ़ने का मतलब ये था भी कभी तो इसको चोट लगे छोड़ा था कुछ भी ना इसने कूड़ छोड़ दे प्राय निंदा छोड़ दे निंदा कर करके दुनिया काली हुई पड़ी है सोच लो आज हथियार ही यही है एक साथ दूसरे की एक काम दूसरे की एक मजब दूसरे की निंदा कर करके काले हुए पड़े हैं निंदा भली काहू की नहीं मन मजबूत करन मुंह काले तेना निंद का नर के तो रविदास ने लिखा है जो अड़सठ तीर्थ नहाए जो द्वादश शिला पे जाए जो गौण करे कुल खेद जो हर पिनार श्रृंगार समेत आखिर क्या लिखते हैं बड़ा साल लिखकर निंदक सो साध विचारिया कह रविदास निंदक नरक सुधारे सोचो निंदे क्यों करते हैं कोई मेला है कोई गंदा है तब करते हैं हम सिमरन क्यों करते हैं मालिक का कि मालिक अंदर वास जाए तभी करते हैं अगर निंदक कर करोगे तुम्हारे अंदर वही बसेगा और क्या होगा पाप अंदर पाप आएंगे मैल आएंगे बोलो क्या सोच लो मैलेंगे आएंगी नहीं आएंगी तभी काला होता है हर दिन चित्रित मान क्या कहिए समझे नहीं दादू से पूछ गया तभी काले हुए पड़े हैं हृदय मल कहाँ है गुनान साहब ने एक जगह लिखा है अगर तुमने रस लेना है शांति लेनी है तो क्या करें काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज होए निचिंदा
परम का संगत तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। अगर माल की प्राप्ति करनी है, अंदर शांति लेनी है, रस लेना है, तो क्या कर, काम छोड़ दे, ये नीचे कराता है तुम्हें, लोभ छोड़ दे, मोह छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, पराई निंदा छोड़ दे, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लभ लोभ तज होए निचिंदा, परम का संगत तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। परम क्या, बार सब परम है। बड़ा भरम क्या है, ये तन सारी उम्र इसी की सेवा की, जितने काम की इसके किए। हम कहते हैं ना, बाल बच्चों काम करते हैं, अपना काम करते हैं, किसी का भी नहीं। ये अपना तन पाला, मिट्टी है, बाल बच्चों की मिट्टी पाली, कम मजदूर की मिट्टी पाली, यारों दोस्तों की मिट्टी पाली, आत्मा का क्या बने। ये तो कल को आग में चला जाएगा, पड़ा पड़ा गया ना गया। इसको छोड़, इसका ख्याल छोड़, परम का संगल तोड़ निराला, ये भजन में बैठने नहीं देता। दूसरा जी फुराया करते थे, गुदला मल का प्यार भजन नहीं करने देता, कहता उठ भाई तकलीफ है, ये सेवा कराता है। दूसरा जी फुराया करते थे, एक दफा हम बाहर गए रात को सिमरन करते करते, जब बलुचता नहीं थी, अभी क्या देखते हैं, एक लाटन चल रही है। वहां गए, क्या देखा कि एक आदमी बैठा है, ऊंट को खूब प्रेम से खाना चारा दे रहा है। आने पूछा अभी ये क्या, कि अब ये मेरा दादा, मैं इसकी खूब सेवा करता हूँ, सुबह मैं इसका दादा, डंडा उठाता हूँ, 10 रुपए कमाता हूँ। उसने खड़ा के उससे 10 रुपए निकाले। सोचो कि हमने इसको सारी उम्र खड़ाया दादे को, इससे क्या निकाला, राम नाम निकालना तो वो निकाला ही ना। सोचो ये काम करना था, दे प्यारी जीव को निधन सेवा मैं, दादी जी मानना कम छाड़े ना, इसे छोड़ता नहीं प्यार, बस इसकी सेवा की, मिट्टी की आग में चलेगी। दे प्यारी जीव को, जीव प्यारा दे, दादू हर रस पाई, जो ऐसा हो इसने, अगर मालिक का ऐसा प्यार हो जैसे इसका है, फिर रस ले सकता है, ऐसे नहीं। हाँ पर हर लोग, हाँ क्या कहता, अगर रस लेना है, शांति लेनी है, अमृत पीना, क्या कर, इनका प्यार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, तन का प्यार छोड़ दे, कूड़ छोड़ दे। हाँ परिहारी लोभ निंदा कूड़ त्याग, पढ़ते तो हैं, कभी त्याग ने ख्याल किया किसी ने, बस पकड़ के चले गए। हाँ अगर किसी ने त्यागा भी तो ऐसे चलेगा, आगे मान नई दुनिया खड़ी कर लेता है। राजा जट पर राजपाट छोड़कर चले गया, जंगलों में गया, तो बस्से करने लगा। अब जब तक अंदर रस ना आए, कोई ना कोई साथी मांगता है, क्या दरख्त के पास ही बैठ जाएगा, किसी पशु के पास ही बैठ जाएगा, एक मिर्गिनी आने लगे, उससे प्यार पड़ गया। जब मिर्गिनी मरी उसके प्रयोग में वो मर गया, मिर्गी जूनी मिली, क्या फायदा हुआ इससे, तो बच्चों में रहता वो अच्छा था। सोचो पटू साहब ने लिखा, निकले घर से तोड़ भया मन त्याग में, मार्ग पकड़न कठिन धसे बैराग में, माया आगे मिली रह ललचाए के, अरे हाँ पटू धसे जगत में फिर महंति पाए के, फिर वही का वही, वहां का वही रहा। बोलो हाँ परहारी लोग निंदा कूड़ त्याग, सच गुरु बचन फल पाई जियो, सच गुरु बचन फल पाई जियो। निंदा जा चुगली ईर्खा आदि रूह दे मर्ज हन, जे मरीज बीमार है ता ओ शरीरक सेहत तो ओहां दूर है, जिस विच हुण तक रूहानी मर्ज मौजूद है, उस नूं रूहानी सेहत किवें नसीब हो सकती है। ये रूह दी बीमारी किसे नूं पता नहीं, बाहरली बीमारी दा पता है, निंदा चुगली ईर्खा द्वैत वैर विरोध, हां ये निकले तब है, तब रूह साफ हो। हां
ਅਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਤ ਦਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਤੇ ਸਫਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੰਗੇ ਕਦੂਰਤ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਗੀ ਹੋਈ। वो कहता हम बड़े, वो कहता हम बड़े, वो कहता हमारा फेक बड़ा, वो कहता हमारा बड़ा, बस ये मार। और क्या है, इस बीमारी ने सबको फकीरों का हुक्म मानने नहीं दिया। गुरान साहब ने गुरंग साहब को धोखा, सोचो उनके लड़के मानने, अगर मानते तो अलग अलग पांच क्यों चलाते। सोच लो गुरंग साहब ने गुरु अमरदास को धोखा, तो लड़कों ने लाते मारी, सोच लो क्यों मारते। असली चीज ना पकड़ी किसी ने, किस वेले ने पकड़ी है, तो उन्होंने कोटर में कहू जो भाई आपको पावे जग में तुम काटिए बिरला के ही के किसी वेले ने फकीरों से। हाँ बाकी को जिनको नाम देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, कई जन्म ले जाते हैं, छोड़ते नहीं, ऐसा ऐसा फेल होता है फिर पास कराते, फिर करते हैं ना, वैसे है। लेकिन कोई बिरला ही निकलता है, कौन निकलता है, गुरु के सेवक सदगुरु प्यारे, वो बस जो शब्द विचारे, ऐसे सारे सेवक हैं उनके। लेकिन जो अंदर शब्द गुरु को फर्क कर लेते हैं वो असली सेवक हैं, उनसे काम लेते हैं, फिर वो उनका रूप क्या शब्द, उनके अंदर शब्द बात जाता है। नानक आद अंगद अमर सदगुरु शब्द सुनाया, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पार्स पार सुनाया, गुरु नानक साहब का रूप क्या था शब्द, दे प्राणी हुई थैंकी, वो शब्द गुरु अंगद साहब में बैठ गया, फिर गुरु अमरदास ने, फिर गुरु रामदास ने, कहते आप मेरे पे मेहर की है, उनसे काम लेते हैं, वो असली फकीर हैं, वो मालिक के एजेंट हैं, काम करने वाला भी शब्द गुरु है, बाकी नहीं। ये तो हमारे समझाने के लिए है, कभी लिखा सतगुरु बचनी फल पाएगी, उनके अंदर मालिक बोलता है, प्रभु जी वैसे साथ भी रचना। हाँ सतगुरु बचनी फल पाई जियो, सतगुरु बचनी फल पाई जियो, ज्यो पावे राखो हर जी जो पावे जो रखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। क्या सुनाते हैं हमारे समझाने के लिए है, ऐ मालिक जैसे मर्जी रख, दुख में रख, सुख में रख, उम्मीद में रख, प्रीति में रख, तंदुरुस्ती में रख, जैसे रख, ये तेरी मौज है। लेकिन शब्द की सलाना क्या, नाम को प्रकट करना, शब्द को प्रकट करना, ये ना छूटी, ये मैं लग रहा हूँ बस, ये असली चीज है। और जैसे मर्जी रख, गरीबी में अमीरी में, जैसे मर्जी रख, दुख में सुख में, जैसे मर्जी रख, मगर ये ना छूटे, इसमें लगा रहा हूँ, ये भक्ति लगी रहे। जो पावे जो रखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। शब्द सबके अंदर है, ये नाम अंदर है, शब्द अंदर है। क्या नगरी मंगने चढ़ योगी का नाम पले पाई, गुरु नगरी खोज के जाई, हरा नाम पदार्थ पाई, अंदर खोजे तो मिले, कैसे मिले, सोच लो तन मन खोजे तो नाम पाए। हाँ जन नानक शब्द सलाही जियो,
किसी को बाहर मिला जो चीज अंदर है, बाहर कैसे मिले बोलो। दीवार ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो चीज इसके अंदर है। जानी दीवारों पे लगाया, बाहर वाले गुरु देखे, अब अंदर वाला भी देख, जो मोती के दाता है, बाहर वाले तीर्थों में नहाए, अब अंदर वाले में भी नहा, जिसमें नहा कर आत्मा शुद्ध होती है। दीवारों पे लिखा है ना, लगाया कबीर बोलो। इसके अंदर कुदरती वाणी आ रही है, इसको पता नहीं। जैसी मैं आगे खत्म की वाणी तैसरा करें ज्ञान मिला लो। जब वो आती है सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुख रोग संताप सच्ची वाणी। दुख दूर नहीं हुए तो उससे तलब नहीं पड़ा, न शब्द बूझे ना जाने वाणी, मन मुखंदे दुख जानी, घट अंतरे सच्ची वाणी, सच वापस आने राम पता नहीं। ये वाणी कहते तेरे अंदर आओ रहा है, इसको पकड़ मेरे साहबा, आप पे भर भुलानी, अक्खर लिखे सही गावा बंदा जाने वाणी। फिर आनंद की वाणी है, वो त्रैगुण वाणी है जिसको कहते हैं, वो भी फना के दे रहे हैं, रस है उसमें भी, लेकिन फिर भी फना हो जाती है। त्रैगुण वाणी ब्रह्म जंजाला, पड़ बाल दुखाने से मारे जंजाला, इसके ऊपर सच्ची वाणी है। वो ब्रह्म देश के पार जाकर, त्रिलोकी से पार जाकर फिर मिलती है। कहे कबीर जन कहे के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सदगुरु ना, इसी के मुताबिक हम रोज पढ़ते हैं। अनंत सुनो बटपागियो, सगल मनोरथ पूरे कब हुए सोचो, कब हुए पार, ब्रह्म प्रभ पाया, ब्रह्म देश के पार जाकर उतरे सगल को सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुन सच्ची वाणी, संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जानी, सर से मतलब सरसा नहीं। जब संतों की शरण में गया, उनको खुश किया, फिर मिली है सेवा कर करके, सब ख्याल निकाले तब मिलती है। हाँ हाँ जी, बाहर ढूंढा था बहुत दुख पावे, कर अमरत कट माही जियो। क्यों बार बार अमृत का जिक्र करते हैं कि तुम्हारे अंदर है, घर में अमृत भरपूर है, मन मुखा साथ न पाया, जो कस्तूरी मिलने जाने पर हम मन मुखा मान के कहने पे चलते हैं, मन मुखा साथ न पाया। ये मन हमारा दुश्मन है, ये अंदर जाने नहीं देता है, रस लेने नहीं देता, ये आप रस ले रहे हैं इंद्रियों के, अंदर नहीं जाने देता। अगर ये रस ले ले, आत्मा आजाद हो जाए, उसके कंट्रोल से निकल जाए, ये चाहता नहीं मेरी हुकूमत जाए, ये बाहरी बाहर भटका रहा है। मन मैंगल सक दीवाना, मन खंड माया मोह हैराना, इतु चाले काल के चापे, दोनों खोज लहे करापे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है, जो मोह माया और विषय विकारों के जंगल में भटका फिर रहा है। कभी स्त्रियों का प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी कम भेड़े, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशों लिए फिर रहा है। इतु चाले काल के चापे, ये काल के दबाव में है, उसके हुक्म में है, ये काल का एजेंट है, किसी विरले ग्रुप ने इसको काबू किया है। उनकी शरण में जाकर ये काबू आता है। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस की ना, तन धन सर्व सात्मा प्रभ जन को दीना, फिर ये काबू आता है। इधर ये बाबर ये शब्द प्रेमी गाया करता था, प्रेम शब्द